सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। भैया, एक औरत का पति सीधा साधा था और वो अपने पति से रोजाना ये जिद करती थी कि मेरे लिए साड़ी लाओ और मेरे लिए सारा जेवर गड़वाओ और मेरे भैया की शादी है, मैं अपने भैया की शादी में जाऊंगी। तो उसका पति कहने लगा कि भगवान भाई, मेरी तो हालत कमजोर है, तू कुछ तसल्ली कर, अब तो यूं ही चली जा। तो वो कहने लगी कि तुम्हें पता ना, मेरे पीहर से तो चिट्ठी आ गई है। वो कहने लगा कि हमें तो मालूम ना है भाई। वो बोली कि चिट्ठी में क्या लिखी हुई आई है ये मैं बताऊंगी। तो कैसे कह रही है वो, आए गयो पीहर से नोतार, अब मैं जाऊं बलम भरतार, नहीं मानू तुम्हारी पिया मेरी मर्जी। आए गयो पीहर से नोतार, अब मैं जाऊं बलम भरतार, नहीं मानू तुम्हारी सैया मेरी राजी। और क्या बोली, ओए भैंस बेच दे ओ, पालो बच्चे बनवाए दे ओ, पिया मोकूल अच्छे। हाय हाय, भैंस बेच के पालो बच्चे बनवाए दे ओ, पिया मोकूल अच्छे है। वहाँ सब देखे रिश्तेदार और वो रड़ुआ खाए पछार, नाहे मानू तुम्हारी पिया मेरी राजी। आ गयो पीहर से नोतार, जब ही बनूंगी पिया तेरे घरवारी। ओ पहनूंगी मैं जम्फर साड़ी, जब ही बनूंगी पिया तेरे घरवारी है। साड़ी हो वे हल्लेदार या मैं हो सोने के तार, ना है मानू तुम्हारी पिया मेरी दादी। आयो पीहर से नोतार, अब मैं जाऊं बलम भरतार, ना है मानू तुम्हारी पिया मेरी दादी।
पीहर में हाथ लगाऊं, जबरदस्ती करने लगी और धमकाने लगी। ओए ना भेजोगे तो जबरन जाऊं, तो पीहर में बालम हाथ लगाऊं। अए मेरो भैया थानेदार, मेरो भैया थानेदार, तो मैं दे डंडन की मार, ना ही मानू तुम्हारी पिया मेरी दादी। आयो पीहर से नोतार, अब मैं जाऊं बलम भरतार, ना ही मानू तुम्हारी सैया मेरी दादी। और क्या बोली, कैसे मैं अपना मन समझाऊं, तो तुम दिल की बात बताऊं। ओए कैसे मैं अपना मन समझाऊं, तो पीहर की बात बताऊं। है क्या कहने लगी, मेरी कही मान भरतार, मेरो जोबन हल्लेदार, ना है मानू तुम्हारी सैया मेरी मर्जी। आयो पीहर से नोतार, अब मैं जाऊं बलम भरतार, ना है मानू तुम्हारी सैया मेरी मर्जी।